हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरत सिलेक्शन मेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। और ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें पेपर सेकंड जनरल हिंदी का जो पेपर है इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी अगर देखा जाए तो सरल था। इसमें हिंदी के जनरल हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आपको थोड़ा बहुत व्याकरण वगैरह के क्वेश्चंस हैं। ये पेपर की टाइमिंग जो थी दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक थी। 20 सितंबर 2020 की आंसर की मैं अगर देखा, इसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर की हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन आए थे 60, जो कि 60 मिनट के यानी कि 1 आवर के लिए थे। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें आपके कितने सही हुए हैं, कितने आपने अटैम्प्ट किए थे, उसमें से कितने गलत हुए हैं, आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, इन सब का कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा, जिससे कि मैं मेरिट में आप लोगों की सहायता बता सकूँ कि कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड वो कितनी जानी चाहिए। बिना देर किए हुए जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताना शुरू करता हूँ। और यहाँ पर जो सेट पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो सेट पेपर डी है, और इसमें भी उसी तरीके से माइनस मार्किंग का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार की माइनस मार्किंग का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क जो है वो काट लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके सामने लेकर के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले उसमें तत्सम पूछा गया, तत्सम मतलब शुद्ध रूप। तो परिवा का शुद्ध रूप जो है यहाँ पर प्रतिपदा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा सी। दूसरा है तद्धो तत्सम शब्दों का संगत युग्म जो है वो कौन सा, संगत युग्म कौन सा है, तद्धो तत्सम शब्दों का संगत युग्म कौन सा है। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका सी, पर्यक का पर्यंक और पलंग पलंग। ठीक है, तद्भव शब्द यहाँ पर खोजना है। तद्भव शब्द आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तद्भव आपको यहाँ पर मिलेगा आंसू, इसको शुद्ध रूप में अश्रु बोला जाता है। कपित्त यहाँ पर पूछा गया, कपित्त जो है वो किसका तद्भव है, कपित्त का तद्भव क्या है। तो कपित्त को तद्भव भाषा में अगर हम देखा है तो कैथा कहते हैं, क्या कहते हैं, कैथा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण की अगर हम बात करी जाए तो बाकी तो भैया कहीं ना कहीं मात्रा या संख्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उचित आ जाएगा, करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा ए। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, कौन सा विशेषण इसमें ऐसा ऐसा है जो संज्ञा से नहीं बना है। तो ये भी संज्ञा है, ये दान से बना है तो दान भी संज्ञा है, चमकीला अगर हम देखें तो चमकीला भी चमक से बना हुआ है। तो यहाँ पर सुंदर जो है किसी संज्ञा से नहीं बना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो आपको गुणवाचक विशेषण विशेष में अगर देखा जाए तो ABCD में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। दूसरा है मोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। इस पौधे में इतना पानी डालो। और विजय पलान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो यहाँ पर ये वाला जो है सबसे होशियार छात्र, सबसे होशियार छात्र ये गुणवाचक विशेषण विशेष का संबंध आपको दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए। 8 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सौर, माफ कीजिएगा थोड़ा नीचे चला गया ये, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। तो सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण, अगर इसकी हम बात करते हैं तो सौर भैया सूर्य से बना विशेषण बिल्कुल सरल है। अगर हम इस पेपर की चर्चा करें तो ये इजी टू मॉडरेट नहीं बल्कि इजी टू इजी ही है। ठीक है, इसमें मॉडरेट वाली कोई बात नहीं है। तो कौन सा शब्द विशेषण है, अगर हम यहाँ पर विशेषण की बात करते हैं तो इसमें विशेषण शब्द जो है वो है आग्नेय। इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, आग्ने। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो आकाश का पर्यायवाची है शून्य। ठीक, बिल्कुल सरल सरल है। सोना का पर्यायवाची कौन सा है, सोना का पर्यायवाची कनक, कनक कनक के सोगनी आपने सुना ही होगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो पखेरु का मतलब मैं पूछा गया तो पखेरु का मतलब होता है पंछी, प्राण जो रूपी जो पंछी है वो उड़ गए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो पर्यायवाची जो है सुधांशु, सुधाधर और सुधाकर, ये तीनों हैं, सलिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। निम्न शब्दों में एक माता का पर्यायवाची नहीं है, तो माता का पर्यायवाची भाई इसमें अंबु नहीं है, बाकी है अंब, अंबा और जननी सब है इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो भौतिक का विलोम शब्द कौन सा होता है, तो भौतिक का विलोम शब्द होता है आध्यात्मिक। ठीक है, तो ये आपका अगला शब्द है, अगला शब्द है प्राची। प्राची का विपरीतार्थक क्या होता है, प्राची का विपरीतार्थक है प्राचीति, प्रातीची। प्राची का मतलब होता है आपका पूर्व और प्रातीची का मतलब होता है पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व का अपोजिट क्या है, पश्चिम। इस तरीके से आगे देखते हैं, समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, समष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित शब्दों की दृष्टि से एक युग्म कौन सा गलत है, मेरी ख्याल से हाँ। तो इसमें देखिए विषेध विधि का निषेध दिया हुआ है, आहन का विसर्जन दिया हुआ है, आग्रह का विग्रह दिया हुआ है और अमी का हलाहल दिया हुआ है। तो ये तो सही दिया है, ये भी सही दिया है, विधि का भी निषेध होता है। ठीक है, तो आग्रह का विग्रह की बजाय अनाग्रह होगा मेरी ख्याल से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी।
विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित से कौन सा संयुग्म सही है? तो विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही है? विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही है, यानी कौन सा विलोम दिया हुआ है? तो ये विलोम नहीं है, ये समानार्थी है, दोष सदोष ये भी समानार्थी है। और यहाँ पर आकिरण विकिरण ये जो है विलोम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आकिरण और विकिरण, आर्द्रत और निरार्द्रत यहाँ पर बिल्कुल सही दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन अगर इसमें करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा दैदीप्यमान। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध करने वाला शब्द जो है वो आपका पौराणिक नहीं है, पौराणिक होगा, छोटी की मात्रा लेगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा डी। और 22 की तरफ चलते हैं, लेकिन इसमें से वाक्यों को शुद्ध वाक्य क्या है? तो पहले क्या, मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो आप सीधे कह सकते हैं मुझसे यह काम नहीं हो सकता, तो संभव लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर सही है। तो इन दोनों में केवल यही अंतर सही है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में यही अंतर सही है, केवल लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह बात बिल्कुल भी, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, भी लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। तो इसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 23 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में से वाक्य भी शुद्ध पूछा जा रहा है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें होती हैं। तो बहुत भूलें तो यहाँ पर नहीं होगा, ये तो गलत ही है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी में, अब देखो यहाँ पर हम लोगों लिखा है, यहाँ पर लिखा है हमसे, अच्छा, तो इसके बाद हमसे, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल जाती थी, ये भी गलत है। तो अब एक मिनट, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल जाती है, इसके बावजूद ही हम लोगों से, तो हम और लोग, मतलब मेरे ख्याल से हमसे करेक्ट वर्ड इसमें होना चाहिए। वैसे हम लोग भी सही है, कई सारे लोगों को बताने के चक्कर में हम लोग को हम लोग भी बोलना पड़ता है, मेरे ख्याल से उसमें भी सबसे ज़्यादा शुद्ध जो है आपको ए दिखाई देगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाना चाहिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, वर्तमान की वजह, ठीक, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है जो शुद्ध ना हो। देश की पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की मौजूदा हालत, वर्तमान मौजूदा हालत, ठीक नहीं, तो वर्तमान और मौजूदा दोनों एक साथ नहीं लगाने चाहिए, तो यही गलत है, बाकी सही होंगे, ठीक है, बाकी क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला, प्रयुक्त होने वाले के लिए एक शब्द, तो इसके लिए प्रयुक्त शब्द है अनुश्रुति। जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन बोलते हैं, अकिंचन। स्वेद से जन्म लेने वाला, स्वेद मतलब पसीना, पसीने से जन्म लेना, स्वेदज बोला जाता है उसको, स्वेदज, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निर्वार प्रयुक्त होगा? देखिए दुर्निर्वार का करेक्ट आंसर होगा जिसे दूर करना कठिन हो। तो दुर का मतलब होता है दुह, निवार, निवार का मतलब निवारण से है, निवारण का मतलब ही होता है निवार करना, मतलब निवारण करना, निवारण का मतलब किसी चीज़ से दूर करना, जैसे गरीबी से दूर करना, तो मतलब गरीबी का निवारण करना, तो दूर निवारण मतलब जिसे दूर करना कठिन हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 29वीं तरफ चलते हैं, अपरिणीत, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है? अपरिणीत, परिणित, परिणय से बना हुआ है, परिणय, परिणय का मतलब होता है विवाह। और अपरिणय और अपरिणीत में इत जो है वो आपकी जो है बाद में उपसर्ग लगा हुआ है, क्या नाम है, प्रत्यय लगा हुआ है। और अपरिणित, अ मतलब जिसका ना हुआ हो विवाह, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका विवाह ना हुआ हो। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द इसमें है जीर्ण, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगहन शब्द, अगहन, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अगहन का तत्सम रूप है अग्रहायण। कई लोगों ने यहाँ पर अग्रहण भी लिखा होगा शायद, तो उनका गलत हो गया होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है आपको, तो तद्भव शब्द यहाँ पर 14 है। अभ्यंतर का तद्भव शब्द बताना है, तो अभ्यंतर में, अब देखिए कुछ लोगों ने अंदर भी लगाया हो तो भीतर, अभ्यंतर का तद्भव बताना है, तद्भव में अंदर आपने लिखा तो शुद्ध हो जाएगा, थोड़ा सा भीतर सही रहेगा, तो भीतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्पट का तद्भव रूप, तो कर्पट का हो जाता है कपड़ा। वह बहुत खाता है वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत शब्द जो है अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। विशेषण मैंने खूब पढ़ाए हैं, मैंने आप लोगों को हिंदी में विशेषण खूब पढ़ाए हैं। विशेषण विशेष से संबंधित इससे बाहर कुछ भी नहीं आया, सब कुछ जो पढ़ाया हुआ था वो आया हुआ है।
आप लेखपाल की वीडियो जो उठा के देखेंगे सारी हिंदी मैंने उसमें पढ़ाई हुई है, सब कुछ हिंदी में वहाँ पर आपको मिलेगा। लिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिनमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो गुणवाचक, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, प्रयोग किया गया ये हमको चुना है। वह नटखट बालक, तो बालक कैसा है, नटखट, तो यहीं पर प्रयोग कर लिया तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाकी में चेक ही नहीं करना हमें, जब पहले वाले में मिल गया तो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमको मिल रहा है, अगला क्वेश्चन हमको मिल रहा है यहाँ पर 37 से। सतीश चंचल बालक है, सतीश चंचल बालक है, मैं चंचल शब्द क्या है, चंचल जो भैया गुणवाचक विशेषण है तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मानसिक विशेषण का मूल शब्द क्या है, मानसिक विशेषण का मूल शब्द है मनस, मानस नहीं होगा मनस होगा, ठीक है। चारित्रिक विशेषण शब्द का, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, चरित्र, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए तो इसका हो जाएगा समालोचन। आप लोग जब कहीं मेंस का पेपर दोगे तो उसमें ऐसे कई क्वेश्चन लिख के आते हैं फला चीज के बारे में, एक ही मीमांसा लिखिए, तो मीमांसा का मतलब समालोचन जो है आपको बताना पड़ेगा, तो मीमांसा का मतलब समालोचन। बिजली, बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सौदामिनी, यहाँ पे करेक्ट आंसर सौदामिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं, तो रमा है, कमला है, इंदिरा है, भारती नहीं है, भारती मतलब सरस्वती, सरस्वती को माँ भारती बोला जाता है, और भारत माता को भारती बोलते हैं। लेकिन तो कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो भैया वासन नहीं है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है, मेघ का पर्यायवाची, तो पयोधर, पय, वारी और जल, ये सब जल यानी मेघ जो है धारण करता है जल को, तो ये सब जो है मेघ के पर्यायवाची हो जाएंगे। दामोदर शब्द नहीं होता है, दामोदर नहीं होता है, दामोदर होता है, दामोदर जो है कृष्ण जी को बोला जाता है, ठीक है, दामोदर किसको बोला जाता है, कृष्ण जी को। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है, तिरोभूत, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्षणिक का सही विलोम क्या है, शाश्वत, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अग्रज की बात करते हैं, तो अग्रज, एक मिनट, पिछले जो है 46 नंबर ही सॉल्व किया ना हमने, हाँ ठीक है, तो 47 नंबर में चलते हैं। 47 नंबर में हमको अग्रज मिलेगा, अग्रज का विलोम शब्द, अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा भाई अनुज। निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा गलत है इसमें, तो एक तो था मौन का मुखर बिल्कुल सही है, शानदार का सर्वनाम बिल्कुल सही है, सभ्य का बर्बर बिल्कुल सही है, तो अनुचर का परिचर नहीं होना चाहिए, अनुचर परिचर समानार्थक शब्द है, ठीक है। हाँ, तो विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है वह कौन सा है, तो गलत कौन सा है, अमित का परिमित बिल्कुल सही है, सत्कार का तिरस्कार सही है, आच्छादित का परिच्छन्न नहीं है, अविच्छन्न होना चाहिए इसका, मैंने अविच्छन्न होना चाहिए, परिच्छन्न नहीं होना चाहिए। सुख दुख जो है इसका, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, सी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है इसमें विवर्त, ये गलत है, ये गलत है, और ये भी गलत है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो शुद्ध वर्ती ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, इसमें आधा ता और आधा सा होते हैं, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा है इसमें बताना है, तो कोमलांगी, उत्कर्षता, सम्मिलित और अनुग्रहित। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, अब इसमें आयोग जो है वो क्या लेता है, मेरे ख्याल से इसको कोमलांगनी होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोमलांगिनी, ठीक है, और अगर कोमलांगी लेंगे तब तो भी सही है, मेरे ख्याल से कोमलांगी की जगह कोलांगी कोमलांगिनी होना चाहिए। उत्कर्षता की अगर हम बात करें तो एक ये भी इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि उत्कर्ष अपने आप में उत्कर्ष होता है, उसमें उत्कर्षता लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो अब देखिए आयोग जो है उनमें से किसको सही मानता है, क्या सही मानता है, बाकी ये दोनों तो अशुद्ध, मतलब ये सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, बाकी इन दोनों में डाउट है मेरी ख्याल से, और फिलहाल मैं जो है वो सी के साथ जानना चाहूँगा, फिर भी देखते हैं आयोग इसका क्या आंसर देता है। में से एक शुद्ध वाक्य क्या है, एक शुद्ध वाक्य और वह कौन सा है, तो जो शुद्ध वाक्य वह हमें ढूंढना है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की पुस्तकें पढ़े, अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थी को चाहिए वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थी को चाहिए वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, और हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। अनेकों पुस्तकें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो हो जाएगा गलत, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए, तो हर एक के साथ विद्यार्थियों लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो 53 का हो गया ए, 53 का ए हो गया। 53 के बाद चलते हैं 54 में, एक मिनट, 54 में चलते हैं, 54,
तो 54 में एक वाक्य अशुद्ध है, एक वाक्य अशुद्ध है वो कौन सा है? तो अशुद्ध में अब देखिए यहाँ पर लिखा है निर्दय व्यक्ति। निर्दय व्यक्ति नहीं होता, निर्दयी व्यक्ति होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, जिसका कोई शत्रु नहीं समझा, उसको अजातशत्रु बोला जाता है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी, खोज करने वाला, खोज करने वाले को अन्वेषक बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके। तो जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अतींद्रिय। क्या बोलते हैं उसे? अतींद्रिय। वाक्यांशों और उसके लिए प्रयुक्त शब्दों में निम्नलिखित युग्मों की पहचान करिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता तो कहते नहीं उसे। लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? और तत्सम शब्द है इसमें ओस्ट। तो ये हो गया भैया आपके ये हो गया सारे के सारे आपके सॉल्व क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि सभी लोग यहाँ पर जो है जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी कमेंट सेक्शन में अपना कट ऑफ जरूर जानने के लिए अपने करेक्ट आंसर जरूर मुझे लिख करके भेजिएगा। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, करेक्ट आंसर बिल्कुल ईमानदारी से भेजना, गलत नहीं भेजना, जिससे कि कट ऑफ में गलती ना हो। ईमानदारी से आप भेजिएगा कट ऑफ, ठीक है। और बिल्कुल इसका जो है इजी था ये पेपर। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि कितनी बनेगी। जीएस भी इसमें आपको देख बताना है आंसर, और हिंदी में भी आपको जी बनाना है। टोटल आपको बताने कि कितने सही होता है। अगर आपको हमारी सारी चीज़ें समझ में आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइएगा, और इस लिंक को शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा, ठीक है। उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सिलेक्शन एंटर हमेशा आपके साथ है, एक कदम सफलता की ओर। थैंक यू, जय हिंद।